आज मैं सोमवार का दिन है और लास्ट सावन का सोमवार है गाइस, तो आज मैंने स्थापित किए हैं शिव भोलेनाथ। गाइस मैं आज मंदिर आई हूँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंभु। मैं घर आ चुकी हूँ फाइनली और मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी बिकॉज थक गई हूँ। पैदल गई थी मंदिर और क्योंकि आज लास्ट सोमवार है और लास्ट शिवजी का दिन है, तो शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए थोड़ा तो करना पड़ता है। तो मेरी तो हो गई हालत ख़राब और थोड़ी देर तक मैं रेस्ट करूँगी, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। जी गाइस मैंने यहाँ पे दाल को फ्राई कर लिया है, देख सकते हो उड़द और चना दाल मैंने शर वो रेडी हो चुका है। और अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल आटा, समझ लूँगी ऐसा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आटा लिया है और यहाँ पे बेसन लिया है और अभी मैं इन दोनों को मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, आप देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे आटा लग चुका है और ये छोटे छोटे पेड़े मैंने बना लिए हैं, रख लिया है और हम थोड़ा सा रख लेंगे इसमें। यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही हैं, आप देख सकते हो मेरी गर्मा गर्म दाल की खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ, आप देख सकते हो। वेदर इज़ ऑसम गाइस, आज बारिश हो रही है झमाझम और ऐसे मौसम में दाल की कचौड़ियाँ गर्मा गर्म क्रिस्पी, मैं अपनी बालकनी चाहूँगी कशिश ने इसमें क्या करा हुआ है, क्या भरा हुआ है। तो गाइस गर्मा गर्म खस्ता खस्ता खाने का मज़ा ही कुछ और है। दिस इज़ फॉर यू गाइस, आप इसे खाइए और खा के बताइए कि कशिश ने ये दाल की खस्ता कचौड़ियाँ कैसी बनाई हैं। जॉइन गाइस। क्या करो ना, ये तो करना जरूरी, बोलो ना। गाइस आज है लास्ट मंडे जो शिव जी का पूजन होता है और आज के दिन लास्ट संडे है, तो मतलब जा रही थी नीचे, ये बताने वाली तो कोई वो नहीं है। थोड़ा सा मैं लेके जा रही हूँ, मेरे तो छोटे छोटे पपी हैं नीचे सोसाइटी में। इतना क्यूट, क्या चाहिए और कैसे पी रहे हैं ये गाइस, मनो बिल्कुल प्यार नहीं है। थोड़ा सा बचाया तो मैं गार्ड को दे देती हूँ, वो थोड़ा देर बाद इनको और दे देती। लेकिन फिर पुण्य हमें नहीं लगेगा ना? क्या पुण्य हमें थोड़ी लगेगा, फिर पिलाया तो उसने, वो कर दिया पुण्य की इच्छा क्यों करती हूँ जो हमने। अच्छा अच्छा, भाई 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 भाई, वैसे वेट कर सकती हूँ कि, हाँ कर सकते हो ना, घर पर वैसे भी कौन सा काम पड़ा होगा। भाई आ चुका है, ये भूखा है गाइस बहुत ही ज़्यादा, लोगों का से बैठा हुआ है। सो क्यूट, ये हमारे कृष्णा जैसा नहीं लग रहा? पिज्जा आ चुका है गाइस, इसमें इन्होंने दिए हमें टॉपिंग वगैरह करने के लिए, कुछ आज न्यू स्टाइल का हमने मंगाया है पिज्ज़ा। ओह माय गॉड, सो हॉट सो हॉट गाइस। तो ये है बहुत गर्मा गर्म पिज्ज़ा, आ चुका है पिज्ज़ा। तानिया तुम्हारा पिज्ज़ा आ गया है, डिलीशियस पिज्ज़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत गर्म है ये, और इसकी टॉपिंग करने के लिए भी हमने ये मंगाया है, तो इसको टॉपिंग करके लाओ फिर हम लोग इसको खाते हैं। खाने से पहले फिर दोस्तों को भी तो शेयर कराना है ना गाइस, ये तो पूरा फैमिली पैक है यार, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग गाइस, वाओ ना। चलो स्नैप्स तुम बाद में लेना, पहले मेरे दोस्तों को वही दिखाओ जल्दी, मेरे दोस्तों को खाने के लिए सब्र नहीं हो रहा। ऐसे तो है नहीं, आपके दोस्तों ने कभी खाया नहीं। जल्दी से ओपन करो, ये बहुत हॉट है। वाह, अभी आप देख सकते हो तानिया इसको और लजीज बना रही है, डिलीशियस बना रही है, और इसको अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा तानिया। अरे तो तुम करते रहना, मैं अपने दोस्तों को कर देती हूँ। अरे मत करो ना यार, नहीं गाइस कर रहे हो आप,
क्यों मेरे को ये ऐसे मत करो ना, अभी करेंगे ना सब, पहले ढंग से तो करने दो। ऐसा नहीं हमने कभी हो गया ना, नहीं हाँ हमने खाया। मत करो, तो मैं कह रही हूँ मत करो, खाने नहीं दे रही है गाइस आप लोगों को। मैं पहले स्नैप लूंगी तब करना। नहीं नहीं स्नैप नहीं, ऐसे करके लेना इसको ना, मैं ऐसे जाओ जब मैं अरे तुम ऐसे करके लो ना स्नैपचैट में, ऐसे करके लो, ऐसे करके ये है ना चीज खींचेगी चीजी, इसको ऐसे करके लो। गाइस दिस इज फॉर यू, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं आपको हर चीज़ शेयर कराती हूँ, आप इसको खा के बताओ कैसा है ये। वाह मेरे मुंह में तो पानी आ गया गाइस, गर्म खाना बाद में होता है, पहले इसका स्नैपचैट होता है। तो गाइस आप लीजिए एंजॉय।